पलिया कोतवाली गजरोरा के गांव 62 एकड़ गांव में शुक्रवार शाम खेत में पड़ी एक पोटली में ब्लास्ट हुआ। इस पोटली को उठाने वाले किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। उसका साथी गंभीर रूप से जख्मी हुआ। पुलिस ने मौके से बारूद, छर्रे, कागज आदि को बरामद किया। ब्लास्ट की जांच ATS लखनऊ कर रही है। पलिया के 62 एकड़ गांव के रहने वाले विमलेश पुत्र धर्मपाल और अरुण पुत्र राम अवतार शुक्रवार शाम को पशुओं का चारा लेने खेतों की ओर गए थे, तभी इन्हें झाड़ियों के पास एक पोटली मिली। विमलेश ने उस पोटली को जैसे ही उठाया उसमें ब्लास्ट हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने खेत से धमाके में इस्तेमाल हुए बारूद, छर्रे आदि अवशेष कब्जे में ले लिए और उनको जांच के लिए भेज दिया। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि पोटली में क्या था और किस इरादे से उसे रखा गया था। पलिया इलाका भारत नेपाल सीमा के करीब है, लिहाजा ATS लखनऊ को भी मामले की जांच में लगा दिया गया है। पलिया क्षेत्र में बिहार काफी यहाँ करीब 10-12 किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते पे गाँव में दो लड़के जा रहे थे। जैसा बताया गया कि वो बकरियों को चराने गए थे, उसी में गाँव वालों की जरूरत ब्लास्ट की आवाज़ सुनी और देखा कि एक लड़का जो है ब्लास्ट से मर गया था, एक दूसरा घायल था। घटनास्थल पर निरीक्षण किया, घटनास्थल पर कुछ पैलेट्स के टुकड़े मिले हैं एवं अन्य कुछ वस्तुएं मिली हैं। हमने ATS को बता दिया है, लखनऊ से ATS की टीम आ गई, पूरी प्रखंड की जाँच करेगी और इस बात को निर्धारित करेगी कि घटना किस तरह की घटना हुई, किस तरह की थी, क्या किस तरह का इस पर इस्तेमाल किया गया, बारूद का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है और किस प्रकार की घटना।